वहीं आगे बढ़ते सहकारिता चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। लिखा है चुनाव के बाद सहकारिता के चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। पूर्व में जहां सहकारिता में सपा का दबदबा रहता था उसे पूरी तरह तोड़ने में बीजेपी कामयाब रही है। सपा के गढ़ एटा में और मैनपुरी में भी बीजेपी ने सेंध लगाई है। लखनऊ समेत 39 जिलों में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। प्रदेश की 7147 सहकारी समितियों में से करीब 7000 समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए रविवार को मतदान हुआ। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए चुनाव परिणाम में देर शाम तक करीब 6500 सहकारी समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली थी। इनमें बदायूं में 132 समितियों में 132 पदों पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। शाहजहांपुर में 115 में से 111 सीटों पर बीजेपी ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर जीत का दावा किया है। नीतीश पांडे हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। नीतीश, एक बार फिर से बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है, यानी जो दावा किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सपा के गढ़ में ही सेंध लगाई है। निश्चित तौर पे जिस तरह से समाजवादी पार्टी अगर बात करे तो इन पर अपनी जीत के दावे करती थी, और ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो कहीं ना कहीं जो आने वाला चुनाव है उसके लिए बड़ा संदेश है। इसके साथ ही जो विरोधी खेमा है उसके हौसले को ध्वस्त करने का भी एक बड़ा प्रयास है। तो अब आगे के दिनों में समाजवादी पार्टी को तैयारी और भी पुख्ता करनी होगी ताकि जमीन पर एक संदेश ऐसा जाए जिससे कि हम मजबूत हैं ये बताने का कार्य हो सके। जी बहुत शुक्रिया नीतीश, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सहकारिता चुनाव में भी बीजेपी ने लहराया है भगवा।